गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका कि नाम क्या है, चैप्टर नेम इज टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। अपन समय को बेटा काय के द्वारा नापते हैं। कल मैंने बताया था कि क्लॉक और वॉचेस का इस्तेमाल हम काय के लिए करते हैं बेटा, समय देखने के लिए करते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था बेटा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो हमारी घड़ी रहती है ये तो केवल 12 ही, इसमें समय कितने घंटे को दर्शाती है? 12, मतलब 12 घंटे को दर्शाती है। देख रहे हैं यानी बेटा, यहाँ पर समय मैंने क्लॉक्स बना रखी है, तो ये अपन देख रहे हैं, ये मतलब एक दिन में मतलब 24 घंटे होते हैं। तो मतलब क्या करती है ये जो हमारी घड़ी है, कितने बार घूमते हैं इसका डायल, पूरा घंटे का डायल कितने बार घूम जाता है बेटा? जब 2 बार घूम जाता है तब मतलब क्या होता है, एक दिन का निर्माण होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और अपन देखते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 12 करके लिखे हैं, और उनके पीछे बेटा छोटे 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 एक 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 जो है मतलब समान दूरी पर क्या रहते हैं, छोटे छोटे इसको और सब डिविजन किया हुआ है। वो किसको दर्शाता है? मिनट को दर्शाता है। मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर कल मैंने आपको ये भी बताया था इसमें कि इसमें कितने हैंड्स रहते हैं? 2 हैंड्स रहते हैं। स्मॉल हैंड्स रहता है और स्मॉल हैंड मतलब छोटा हाथ रहता है, और बिग हैंड मतलब बड़ा हाथ रहता है। तो बड़ा जो छोटा हाथ रहता है वो किसको दर्शाता है? वो घंटे को दर्शाता है। और जो बड़ा हाथ रहता है वो किसको दर्शाता है? मिनट को दर्शाता है। मतलब 10 से मतलब एक घंटे की दूरी तय करने के लिए उसको कितने मिनट का समय लगता है? 60 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब इसमें अपन देख रहे हैं, यहाँ पर कल भी मैंने आपको घड़ी देखना बताया था कि बेटा जब छोटा काटा करेक्ट 12 पर रहता है और बड़ा काटा भी करेक्ट 12 पर रहता है, तो करेक्ट 12 बजते हैं। और यदि छोटा काटा 1 पर है और बड़ा काटा करेक्ट 12 पर है, तो अपन क्या बोलते हैं बेटा उसको, कितने बज गए हैं बेटा? 1 बज गए हैं। इसी प्रकार अपन हम देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, छोटा काटा जो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड द टाइम शो बाय द क्लॉक। मतलब रीड का मतलब कहता है पढ़ना, अपने किसको पढ़ना है? टाइम को करना है शो बाय द क्लॉक, जो क्या कर रहा है, घड़ी जो हमको समय बता दिखा रही है। एंड राइट इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स, हमको करना है उसको फिगर्स में भी लिखना है, वो क्या करना है हमको वर्ड्स में भी लिखना है। तो कल मैंने बताया, अब यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा छोटा काटा कहाँ पर है, ये आपको पोजिशन दिख रही है बेटा। छोटा काटा कहाँ पर है? 8 पर है। और बड़ा काटा कहाँ पर है? 3 पर है। तो मतलब छोटा काटा 8 पर है, 8 से थोड़ा सा बेटा वो आगे सरक चुका है, तो अपन यहाँ पर कितने लिखेंगे बेटा? 8। और मैंने कल बताया था मिनट के लिए अपन 5 10 15, मतलब कितने हो जाएंगे? 8 15। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा समय क्या हो जाएगा? 8:15। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इसको वर्ड्स में लिखेंगे 8:15। क्वार्टर पास्ट 8, मतलब जब करेक्ट 15 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट होते हैं, मतलब जब काटा कहाँ पर रहता है, सभी में 3 3 3 पर दिख रहा है बेटा बड़ा काटा, तो अब उसको बोलते हैं बेटा अपन क्वार्टर। तो कितने बजकर कितने मिनट, तो बोलेंगे बेटा 11:15, मतलब 8:15। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर आपको 2 काटे फिर से दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा काटा दिख रहा है, एक बड़ा काटा दिख रहा है, स्मॉल हैंड और बिग हैंड। स्मॉल हैंड कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा 10 से थोड़ा सा आगे जा चुका है, लेकिन जो हमारा बिग हैंड है वो कहाँ पर है? 3 पर है। तो समय सबसे पहले अपन देखेंगे छोटा काटा कहाँ पर है, 10 से थोड़ा सा आगे चला है, इसलिए अपन लिखेंगे 10 और वापस 5 10 15। तो अब मेरा समय क्या हो जाएगा, अभी हमने बोला था जब 8:15 थे तो हमारा समय था 8:15, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10:15। इसी प्रकार अपन देखें बेटा, यहाँ पर हमको दिख रहा है बेटा छोटा काटा कहाँ पर है, कहाँ पर दिखाई दे रहा पूरे डायल में, यहाँ पर 7 से थोड़ा सा आगे जा चुका है, और बड़ा काटा कहाँ पर है? 3 पर है। तो हम देखेंगे सबसे पहले टाइम कहाँ पर है? 7, और यहाँ पर कितने? 5 10 15। ठीक है,
तो हमारा मतलब 7:15, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखा था 10:15, 8:15, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7:15। इसी प्रकार अपन देखें बेटा स्मॉल हैंड कहाँ पर है और बिग हैंड कहाँ पर है। बेटा स्मॉल हैंड हमारा 12 के समथिंग है और ये जो है वो 3 के समथिंग, मतलब करेक्टर 3 पर ही है। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम क्या हो जाएगा 12:00 कितने 5:10:15, 12:15। जब यदि यही काटा यहाँ पर आ जाता तो अपन बोलते हैं 12:20, 12:25। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखेंगे 12:15, तो हमारा टाइम क्या जाएगा 12:15। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट जो है हमारा टाइम, मतलब स्मॉल हैंड कहाँ पर है बेटा 1 के समथिंग है, बिग हैंड कहाँ पर है 3 पर है, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 1:15। टाइम क्या हो जाएगी उसे वर्ड्स में कैसे रखेंगे 1:15। इसी प्रकार बड़ा लास्ट में अपन देखेंगे हमारा जो काटा कहाँ पर है, हमारा काटा बेटा कहाँ पर है, हमारा बेटा छोटा वाला काटा कहाँ पर है बेटा 4 से थोड़ा सा आगे जा चुका है, और जो बड़ा काटा कहाँ पर है 3 पर है, तो हम टाइम क्या लिखेंगे 4:15, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 4:15। ठीक है, इस प्रकार बड़ा हमको समझ में आ गया है कि अपन को समय किस प्रकार पढ़ना है। जब हमारा काटा 1, 2, 3 मतलब 5, 10, 15 पर होगा, तो हम टाइम को क्या पढ़ेंगे क्वार्टर। बेटा इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द टाइम शो बाय द क्लॉक्स एंड राइट इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। तो बेटा अब की बार हम फिर देख रहे हैं जो घड़ी में है वो समय चेंज हो चुका है। अब की बार बेटा सभी में जो है, इसके पहले वाले में अपन देख रहे थे जो हमारा बड़ा काटा था वो कहाँ पर था 3 पर था। अब यहाँ पर बाकी जो 6 घड़ियाँ हैं, इन 6 घड़ियों में अपन देख रहे हैं सभी में जो बड़ा काटा है वो करेक्ट 6 पर है। तो अब बेटा अभी भी हम इसको क्वार्टर बोलेंगे नहीं बेटा, अब हम इसको बोलेंगे हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है आधा, मतलब जो हमें हमारा जो समय रहता है 60 मिनट का, अब 60 मिनट में से आधे कितने हो गए, हाफ कितने होंगे 30 मिनट्स। तो अब हम देखेंगे बेटा सबसे पहले हमारा देखेंगे बेटा छोटा काटा हमारा कहाँ पर है। छोटा काटा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा 2 और 3 के बीच में, तो मतलब जो है समय करेक्ट 2 भी नहीं बचे हैं और करेक्ट समय 3 भी नहीं बजा है। जब 2 भी नहीं बजे हैं, 3 भी नहीं बजे, तो फिर उस टाइम को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे काटा कहाँ पर है, 2 से तो आगे निकल चुका है लेकिन क्या करेक्ट 3 पर पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे छोटा काटा कहाँ पर है बेटा 2 पर। अब बेटा टाइम गिने मिनट गिनेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30, दिख रहा है। मतलब हमारा जो समय कितना हो चुका है 12 से स्टार्ट करते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30, मतलब हमारा समय कितना हो चुका है 2:30। तो हम टाइम क्या बोलेंगे हाफ पास्ट टू, मतलब समय जो है 30 मिनट जो है व्यतीत हो चुके हैं। 15 रहते तो क्वार्टर बोलते हैं, 30 हो गए इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे हाफ बोलेंगे। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 2:30। इसी प्रकार अपन देखेंगे बेटा हमारा जो काटा है फिर से नेक्स्ट में, यहाँ पर 5 के बीच में है और 6 के बीच में, कौन सा काटा, छोटा काटा या बड़ा काटा, स्मॉल हैंड या बिग हैंड। तो बेटा स्मॉल देखेंगे बेटा स्मॉल हैंड कहाँ पर है
फाइव और सिक्स के बीच में है, तो हमारा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाइव से आगे बढ़ चुका है लेकिन अभी सिक्स पर नहीं पहुँचा है। अब यहाँ पर अपन देखें फाइव पर सिक्स पे, फिर वापस काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी, मतलब समय कितना हो चुका है, पाँच बजकर के तीस मिनट। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा था हाफ पास्ट टू, अब हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट फाइव, मतलब समय क्या हो चुका है, हाफ पास्ट फाइव, मतलब पाँच बजकर के तीस मिनट। इसी प्रकार नेक्स्ट जो वॉच है उसमें हम देखेंगे, क्लॉक देखेंगे कहाँ पर है बेटा, टाइम नाइन और टेन के बीच में जो है हमारा स्मॉल हैंड है, तो सबसे पहले हम टाइम क्या लिखेंगे, नाइन, काउंट करेंगे यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, थर्टी। टाइम क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हाफ पास्ट नाइन, टाइम क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हाफ पास्ट नाइन। अब यहां पर देखेंगे बेटा हमारा स्मॉल एंड कहां पर है, ट्वेल्व और वन के बीच में, बिटवीन ट्वेल्व एंड वन, मतलब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, ट्वेल्व मिनट से गिनेंगे, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी, मतलब करेक्ट साढ़े बारह बज चुके हैं। तो हमारा टाइम क्या होएगा, हाफ पास्ट ट्वेल्व, हाफ पास्ट ट्वेल्व। इसी प्रकार अपन देखेंगे इस वाली वॉच में, क्लॉक में फोर और फाइव के बीच में है जो हमारा स्मॉल हैंड, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, फोर और मिनट कितने हो जाएंगे, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट फोर, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट वाले में है अपन देखेंगे जो हमारा छोटा काटा है स्मॉल एंड का पर है, इलेवन और ट्वेल्व के बीच में, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेवन, यहाँ पर सिक्स है इसलिए लिखेंगे अपन थर्टी। टाइम क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट इलेवन। तो बेटा इस प्रकार भी जब थ्री पर रहता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर पास्ट। यदि ये काटा भी थ्री पर रहता बड़ा वाला तो हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट नाइन, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये टेन और नाइन के बीच में है इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ पास्ट नाइन। हाँ बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, रीड द टाइम शो बाय द क्लॉक्स एंड राइट इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे को जो क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम कर चुके हैं अभी हमने देखा, अब यहाँ पर जो हमारा काटा है कहाँ पर है, स्मॉल हैंड और बिग हैंड, ये दो क्या करते हैं, एक घंटे को बताता है और एक मिनट को बताता है। घंटा बोलते मतलब और बोल का मतलब क्या होता है, घंटा, और मिनट का मतलब होता है मिनट। तो अपन देख रहे हैं बेटा यहाँ पर जो हमारा छोटा काटा कहाँ पर है और बड़ा काटा कहाँ पर है। अब बेटा जो छोटा काटा है चार के पास पहुँचने वाला है, चार पर अभी नहीं पहुँचा, चार के पास पहुंचने वाला है पर अभी चार पर नहीं पहुंचा है। अभी उसको चार पर पहुंचने के लिए फाइव टेन फिफ्टीन मतलब पंद्रह मिनट की ज़रूरत और है। तो हमारा टाइम देखेंगे बेटा अपन थ्री और फोर के समथिंग है, थ्री और फोर के समथिंग है। तो सबसे पहले अपन टाइम क्या लिखेंगे, थ्री। अब मिनट काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करते हैं बेटा अपन, यहाँ से, तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी और यहाँ पर हो जाएंगे फोर्टी फाइव। क्या बोलेंगे इसको, फोर्टी फाइव बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फोर्टी फाइव। अब यहां पर अपन बोलेंगे जैसे अभी अपना जब काटा कहां पर था बेटा, थ्री पर था, लेकिन अब की बार काटा हमारा कहां पर आ चुका है, नाइन पर आ चुका है। तो बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर ही बोलेंगे, लेकिन कैसा बोलेंगे, क्वार्टर टू फोर। क्वार्टर टू फोर मतलब चार बजने में अभी कितने मिनट की देर है, पंद्रह मिनट की देर है, इसलिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू फोर। इसी प्रकार अपन देखेंगे जो हमारा काटा कहाँ पर है,
11 और 12 के बीच में है, मतलब हमें हमारा समय कितना हुआ है, 11 बज चुके हैं, लेकिन 12 अभी नहीं बजे हैं। फिर मिनट वापस काउंट करेंगे, कहाँ से करते हैं अपन 12 से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ पर हो जाएंगे 45। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, क्वार्टर टू 12, क्वार्टर टू 12 मतलब पौने 12 बज गई है। कितनी बज गई है, पौने 12 बज गई है। अभी 12 बजने में कितने मिनट की देर है, 15 मिनट की देर है, तो हम लिखते हैं क्वार्टर टू 12 मतलब 12 बजने में अभी 10 मिनट की देर है। इसी प्रकार अपन देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमारे को दिख रहा है वापस इस वाली वॉच मतलब क्लॉक में, यहाँ पर दिख रहा है बड़ा काटा कहाँ पर है 9 पे, और छोटा काटा कहाँ पर है 5 और 6 के थोड़े मतलब 6 के थोड़ा सा समथिंग है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा 5 और यहाँ से यहाँ तक की मिनट कितने जाएंगे 45 मतलब 5:45, 6 मिनट बजने में भी कितने मिनट की देर है, 15 मिनट की देर है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, क्वार्टर टू 6 मतलब अभी 5:45 बजी है। क्या टाइम हुआ है हमारा, 5:45 बजी है। इसी प्रकार बेटा अपन देखेंगे जो छोटा कटा है कहाँ पर है, 10 और 11 के बीच में है, बिटवीन 12 एंड 11 मतलब 10 और 11 के बीच में है। तो हमारा टाइम क्या जाएगा, 10 बज जाएंगे, मिनट कितने होंगे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ पर लिखेंगे बेटा 45। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू बेटा 10 से आगे बढ़ चुका है लेकिन अभी 11 नहीं हुआ, इसलिए अपन लिखेंगे 11 के पास में है, इसलिए मतलब क्वार्टर टू 11 मतलब 10:45 बज चुके हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है 4 और 5 के बीच में, तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा हमारा, छोटा काटा कहाँ पर है 4 और 5 के बीच में, तो 4 तो बज चुके हैं, 4 बजकर कितने मिनट हो गए हैं, 45 मिनट हो गए हैं। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, क्वार्टर टू 5 ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है 10 और 9 के बीच में है, हमारा छोटा काटा कहाँ पर है 10 और 9 के बीच में है, और जो बड़ा काटा कहाँ पर है 9 पर है। तो हमारा टाइम क्या जाएगा, 9:45। तो टाइम क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 10 क्वार्टर टू 10 ठीक है बेटा। जब वो करेक्ट 3 पर रहता है तो अपन उसको बोलते हैं, मतलब बड़ा काटा 3 पर रहता है तो अपन बोलते हैं क्वार्टर, इसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, और इसको बोलते हैं जब 9 पे आता है तो इसको बोलते हैं क्वार्टर टू 9, क्वार्टर टू 10। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोइंग द गिवन टाइम। यहाँ पर हमारे को बोल रहा है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हमको क्या करना है, अभी तक तो हमको क्या कर रहा था बेटा, हैंड्स दिया रहता था और हमसे टाइम पूछता था, लेकिन अब की बार उसने हमको टाइम्स दे दिया है और हमसे कह रहा है कि ड्रॉ का मतलब क्या था, खींचना। हमको क्या करना है, यहाँ पर हाथ बनाना है, छोटा हाथ बनाना है और बड़ा हाथ बनाना है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है 8:05, तो हम क्या बोलेंगे, 5:08 5:08। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे बेटा छोटा काटा कहाँ पर आएगा, छोटा काटा हमारा 8 पर आएगा, 8 पर आ गया, और बड़ा काटा कहाँ पर जाएगा, 5 पर जाएगा, 1 पर जाएगा ठीक है। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा बेटा, बताइए जल्दी से, 5:08। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा हमारा 9:05 मतलब छोटा काटा कहाँ पर आएगा, छोटा काटा अपन देखे बिल्कुल 9 पर आएगा, और बड़ा काटा कहाँ पर जाएगा बेटा, बड़ा काटा जो है वो 1 पर जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, हमको यहाँ पर टाइम पहले, इसके पहले जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5th अपन ने करा था, इसमें अपन ने देखा था कि बेटा वहाँ को हैंड्स बना देता था और हमारे से बोलता था कि टाइम क्या हुआ, और अब की बार उसने हमको क्या कर रखा है,
टाइम दे दिया है और हमारे से बोल रहा है कि हैंड्स बनाना है। अब बेटा यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 6:40, 6:40। तो बेटा अपन छोटा घंटा कहाँ पर लाएंगे, 6 और 7 के बीच में लाएंगे, कहाँ पर लाएंगे बेटा, 6 और 7 के बीच में। और ये बड़ा कांटा कहाँ पर लाएंगे, 40 पर लाएंगे। देखिए काउंट करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। हमारा समय क्या हो गया बेटा, 6:40। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 10:40। तो अपन देखेंगे छोटा कांटा कहाँ पर आएगा, 10 और 11 के बीच में आएगा, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। और छोटा कांटा कहाँ पर, बड़ा कांटा कहाँ पर आएगा, 8 पर आएगा। ये स्मॉल हैंड है और ये बिग हैंड है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 3:25। तो मतलब बड़ा कांटा कहाँ पर जाएगा, छोटा कांटा पर जाएगा, 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा। और बड़ा कांटा कहाँ पर आएगा बेटा, 5 पर आएगा, 5, 10, 15, 20, 25। इसी प्रकार नेक्स्ट है 12:35, मतलब 12 और 1 के बीच में आ जाएगा कांटा हमारा करेक्ट। ये 12 और 1 के बीच में आ गया है। और यहाँ पर अपन जो देखेंगे, सॉरी 35 है नहीं, तो अपन कहाँ पर जाएंगे, 7 पर जाएंगे। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 12:35।